दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों केमिस्ट्री के आज टॉप 50 क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। और प्रत्येक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शानदार प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी अवोगाद्रो, सी मेंडलीव, डी डाल्टन। तो बताइए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। तो देखिए पहले का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी डाल्टन, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है, यौगिक, अणु, परमाणु या तत्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, परमाणु। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, फोटोन यूकावा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा है। तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल सही। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की, ये भी सही है। फोटोन की यूकावा ने, ये गलत है। तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये एक जैसे परमाणु है, परमाणु का एक नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसकी बारी कक्षा में यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड या हेनरी बेकुरल। तो बताइए रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल, ठीक है, हेनरी बेकुरल। चलिए आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी प्रवाजी आसवन, सी आसवन, डी क्रिस्टलन। तो बताइए छः का राइट आंसर कौन सा होगा। तो कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो कपूर देखिए एक ऐसा जो है पदार्थ होता है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, तो उस विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, प्रोटोनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटोनों की संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224.0 लीटर, 22.4 लीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन क्या होता है, वह होता है 22.4 लीटर, ठीक है, अच्छे से आप याद रखना। चलिए आगे देखिए नौवां प्रश्न, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है, तो बताइए कितनी होती है, 60.23 × 10³ या 6.023 × 10³ या ऑप्शन सी है 0.023 × 10³ या 02.3 × 10³। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों 6.023 × 10³, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। दसवां प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की, रॉबर्ट पियरी, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल या ए एवं बी दोनों। तो बताइए रेडियम की खोज की थी, तो मोस्टली स्टूडेंट ने लगाया होगा मैडम क्यूरी, लेकिन मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरी दोनों ने
रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको दी गई है। बायोलॉजी को हम बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं, एक बार जो है विजिट जरूर करें, एक वीडियो देखें, उसके बाद में बताएं आप, ठीक है। आपको यकीनन बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, आप एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है, जल, एल्कोहल, ईथर, नेफ्था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सार्वत्रिक विलायक है, देखिए सार्वत्रिक विलायक जो है जल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, कुछ असर नहीं होता। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान क्या है, 6.4, 4.8, 7.4, -8.4। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच होता है 6, 7, 8 या 9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वह होता है 7, ठीक है, वह होता है 7। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं, ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ड्यूटेरियम में जो होता है 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व है हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो बताइए, आसान प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, सबसे हल्का तत्व है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17वां प्रश्न, ऑक्सीकरण में ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, वायु है मिश्रण, यौगिक, तत्व या ये सभी। ये प्रश्न भी कई बार आया है परीक्षा में, वायु है, वायु क्या है। तो दोस्तों वायु जो होता है वह मिश्रण होता है, ठीक है। वायु में बहुत सारे धूलकण, बहुत सारी गैस है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, वायु एक मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, मोसले ने, मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आवर्त नियम जो आधुनिक वाली है उसका प्रतिपादन किया था मेंडलीव ने, मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने देखी होगी, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इनमें से है ऑप्शन ए, ठीक है, फ्लोरीन। चलिए 21 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न जो है देखते हैं, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु घनत्व के या इन सभी के। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है परमाणु भार के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, सबसे भारी तत्व है स्ट्रॉन्शियम, ऑस्मियम,
प्लूटोनियम, लिथियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे भारी तत्व है ऑप्शन इसका होगा बी ऑस्मियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लोहा या सोना। तो हेमेटाइट बताइए किसका अयस्क है। तो देखिए हेमेटाइट जो होता है वह लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा या मैग्नीशियम। तो कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 26वां प्रश्न है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। तो तांबा, जस्ता एवं तांबा का, पीतल तांबा एवं निकिल, तांबा जस्ता एल्यूमिनियम, तांबा जस्ता निकिल। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी तांबा जस्ता और निकिल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा निकिल, तांबा स्ट्रोंसियम, तांबा जस्ता, तांबा एल्यूमिनियम। तो पीतल जो बना होता है तांबा और जस्ते का बना होता है। तो ठीक है, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है पीतल। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, वॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार या ये सभी। तो एल्यूमिनियम जो है किससे निकाला जाता है, कौन कौन से इसके अयस्क है। तो देखिए दोस्तों बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है, फेल्सपार भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29वां प्रश्न पिंच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, कोरंडम, यूरेनियम, क्रोमियम, मिलेराइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पिंच ब्लेंड जो होता है वह अयस्क होता है यूरेनियम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30वां प्रश्न जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए का 30वां क्वेश्चन देखते हैं जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है, जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में DDT डालकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32वां प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, बताइए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट या बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मोस्टली होता क्या है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं बी एवं सी दोनों, तो देखिए तुक्का लगाने वाली बात बता रहा हूँ, 90% ये चांस बना रहता है कि यही आंसर होगा। कभी आप पर अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आए और ऐसा क्वेश्चन दिया हो बी एवं सी दोनों यानी ये सभी, है ना, तो इस तरीके के आंसर को आप जरूर लगा के आया करें। ठीक है, तो चलिए तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, बी एवं सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं 33वां प्रश्न साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या उपरोक्त तीनों का। तो फिर मेरी बात आपको लग गई होगी, आपने लगा दिया होगा उपरोक्त तीनों का, तो फिर ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं 34वां प्रश्न वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम, आर्गन, नियोन या रेडॉन।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो देखिए वायुयान की जो ट्यूबों में गैस भरी जाती है वह होती है नियोन, ठीक है, नियोन। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? नियोन, रेडोन, हीलियम, आर्गन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए जो ये जो गुब्बारे होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी होती है? इनमें भरी होती है दोस्तों हीलियम, ठीक है, हीलियम। चलिए आगे देखिए 36वां प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, देखिए अच्छा ये वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो बताइए 37 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस इसको बोला जाता है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, N2O। चलिए आगे देखते हैं 38वां प्रश्न, निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? डलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है एग्जाम्स में, ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। तो निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? डलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डलवा लोहा, ठीक है, डलवा लोहा। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर तत्व है सोना, एल्यूमिनियम, हीरा, चांदी। तो बताइए 39 का प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सबसे कठोर तत्व है हीरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 40वां प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हों कहलाते हैं। तो बताइए बहुलक, समावयवी, अपरूप, शंभारिक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अपर रूप, ठीक है, जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं, अपर रूप। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त तो कार्बन है, बताइए पेंसिल बनाने में कौन से कार्बन का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी जो नोक जो होती है उसमें, ग्रेफाइट, हीरा, टिन, लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42वां प्रश्न, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है अपर रूप, बहुलक, समभारिक, समावयवी। तो 42 का राइट आंसर कौन सा होगा? जो एक ही गुणसूत्र वाले अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है समावयवी, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट समावयवी हैं, कार्बन के अपरूप हैं, समस्थानिक हैं या धातु हैं? तो देखिए 43 का जो राइट आंसर है वह है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो होते हैं वह कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? एथिलीन, एनिलीन, सेल्युलोज, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो है किसका बहुलक होता है? वह होता है एथिलीन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 45वां प्रश्न देखते हैं आगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, थाइकॉल, नायलॉन। तो 45 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो प्राकृतिक जो रबर है वह बहुलक होता है आइसोप्रीन का, ठीक है, किसका? आइसोप्रीन का। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या पीट। तो देखिए सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वह होता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो गोबर गैस में दोस्तों गैस पाई जाती है मीथेन, ठीक है, धान के खेतों में भी यही गैस पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं 48वां क्वेश्चन है,
द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 48वां क्वेश्चन है, इथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, बी प्रोपेन एवं आइसोटोन, सी ब्यूटेन एवं मीथेन, डी ब्यूटेन एवं इथेन। तो 48 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें तीन अक्षर आते हैं LPG, ठीक है, और तीन ही चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, याद रखना। अगर आपको इतनी भी बात पता होगी तो इसमें दो हैं ये नहीं होगा, इसमें दो ये नहीं होगा, इसमें दो ये नहीं होगा, ठीक है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको एक्चुअल में आंसर नहीं पता है तो। चलिए आगे देखिए 49वां प्रश्न, संश्लेषित रेशा है रेयॉन, रेशम, ऊन या सेलुलोज, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? वह होता है रेयॉन, ठीक है। चलिए आगे 50वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका, किसी ईंधन के अफस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है? परमाणु संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या या ये सभी? तो बताइए, ईंधन के अफस्फोट रोधी गुण को कौन दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्टेन संख्या, ठीक है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न, बताइए कितने प्रश्न आपके सही गए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।